अला लिल्लाहि दीनुल खालिस करके सुलह के बाद, सुलह के वक्त में एक दस्तावेजात लिखी गई, सुलह हसन। उसमें जो दस्तावेजात लिखी गई वो ये थी कि ये वो दस्तावेज है जिस पर हसन बिन अली बिन अबी तालिब ने मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ सुलह की और मुसलमानों की हुकूमत मुआविया के सुपुर्द कर दी, इस शर्त पर कि वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और सीरत खुलफाए राशिदीन पर अमल करेगा, और इस शर्त पर कि मुआविया बिन अबी सुफियान को इख्तियार नहीं कि वो किसी को अपने बाद वली अहद बनाए। और 56 हिजरी में हजरत मुआविया ने इस सुन्नत को पामाल कर दिया अपने पाँव के नीचे, वली अहद ना बनाने की शर्त थी। बल्कि इसके बाद ये हुकूमत का मामला मशवरे के साथ मुसलमानों के यहाँ तय किया जाएगा, शर्त रखी, और इसकी शर्त पर कि लोग अल्लाह की ज़मीन में जहाँ होंगे, खास शाम में, खास इराक और हजाज और यमन में, लोग मामून रहेंगे। क्या मतलब कि हमारे साथी शाम, यमन, जहाँ कहीं भी हैं इन इलाकों में, वो जो हमारे साथ हैं, बाद में अब उनके लिए दिल में रंज रख कर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं शुरू कर देनी, नैब के केस नहीं बनाने उनके ऊपर, इस शर्त पर सुलह करेंगे, नैब के केस नहीं डालने, एहतसाब ब्यूरो नहीं बना लेना, अब ये हम तुम्हारे साथ सुलह करते हैं, ठीक है। और इस शर्त पर कि अली के सहाब और उसकी मानने वाले अपनी जानों और मालों पर, औरतों पर मामून होंगे, और इस शर्त पर कि जो कुछ भी हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान पर खुदा का अहद और मिसाक है, और जो कुछ अल्लाह ने अहद लिया है किसी से अपनी मखलूक में, और अल्लाह ने जिसकी वजावरी का किसे मुतालबा किया है, आप ही को इसको दा फरमाया है, इस शर्त पर कि ना हसन बिन अली, ना उसके भाई हुसैन अहले बैत से किसी के साथ फरेब होगा, ना पुशीदा, ना जहरी, और कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, और इस पर ये दोनों बंदे गवाह हैं जो हजरत मुआविया की तरफ से सुलह करने के लिए गए हैं। कि हमारे बाप दादा को अब गालियां नहीं दी जाएंगी, हमारे मानने चाहने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा, हुकूमत करोगे वैसे जैसे अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल और हजरत खुलफाए राशिदीन की वैसे करना, और अपने बाद अपना कोई भी तुम जानशीन नहीं बनाकर जाओगे। ये चार शर्तें रखकर उन्होंने गुफ्तगू की। करेक्टर असैसिनेशन क्या हुई कि वो कहते थे कि वो माल इतना दे दो, 15 लाख मांग लिया, इतना मांग लिया, करेक्टर असैसिनेशन। बस ये कह करके आपने कहा ठीक है दस्तखत कर लो, और फिर वो दस्तखत माहिदे को किसने नहीं लिखा, जाकर के आप देख लें, इस माहिदे को सीयर अलामुन नुबला ने भी लिखा, इब्ने सीर ने उज़ुल गाबा में लिखा, इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी के अंदर लिखा, शियों के मौलवियों ने तो बिहारुल अनवार में लिखा, इब्ने अबिल हदीर ने इसको जिक्र किया, सब सिकाई सिकाए और बयान करते चले जाते हैं। ये माहिदा वहां पर हो गया, मगर फिर हुआ क्या, इस माहिदे की कोई पासदारी की गई नहीं, पासदारी नहीं फिर की गई, फिर हसन को खामोशी इख्तियार करनी पड़ी, माहिदे की पासदारी नहीं फिर हुई।